नहीं और नहीं सर, तो मेरे नेटवर्क पे बहुत सारे ऐड है ना, ओके सब चलो पबजी खेलता हूँ। ओके सर ओके चलो, 400 यूजर की आईपी की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, और हम कौन सी जी क्लास सर, के साथ रिसॉल्व कर रहे हैं इस इशू को? क्लास बी क्लास है। भी बहुत बढ़िया। अब देखो पहला रूल याद रखना है, कौन सी क्लास प्रोवाइड करोगे इसको? बी क्लास बहुत बढ़िया। अब देखो फर्स्ट रोल, डिसमिल टू बाइनरी, ये तो क्या कर दे रहा है, इसको स्किप करना है, सेकंड बोरो ऑक्टेट में जाना, बोरो बिट। कितने नंबर की बोरो बिट बोरो होगी ऑक्टेट 400 यूजर के लिए? सर 400 यूजर के लिए हम ले सकते सर नंबर 9। 9 बिट। चलो अब हमें क्या करना है, डीएसएम टू सीएसएम, सी एस एम ठीक है। तो क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क याद है? जी सर 255.255.0.0, इस ऑक्टेट में कितनी बिट है? 8।8 बिट, इसमें कितनी है? इसमें 8, चलो अब मैं प्रोसेस किसका सिखा रहा टोटल था, 16 ये किसका काम कर रहे हैं हम? यूजर होस्ट है, बिट को क्या यूजर करना है जी हमेशा सर ऑफ करना है। ऑफ करना है। अब देखो अगर मैं इन जीरोस को रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा? देखो अब देखना मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डीएसएम क्या आ रहा है मेरे पास जो है 255 255, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दो तीन डॉट चार पांच छह सात आठ। बोरो बिट मेरे पास कितनी आई थी? 9 जी नंबर। सर, बिट कितनी ऑफ करनी है? 9 नंबर की। तो बस करते नौ जाओ, नंबर की, एक ये दो तीन दो चार तीन चार पांच छः सात नौ, हाँ हो गई, और कितनी बिट हो ऑन गया रह सर। गई अब? अब सात, एक दो तीन चार हो गई। अब हम इसे जी डीएसएम से सर, क्या बनाने वाले हैं? सी एस एम तो 255 जी सर, 255 जी 7 सर बिट ऑन होने का मतलब कितना आएगा? सात मिनट का सर 254 होगा बस बहुत बढ़िया, 0 ये बन गया। जी सर। अब मैं फोर्थ नंबर पे क्या बनाना है, फोर्थ नंबर पे क्या बनाना है मैं नेम जी? इंक्रीमेंट बिट। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बिट सर, निकालिए कितना आएगा? इंक्रीमेंट बिट सर टू पे पावर जी पावर नहीं, 256 को माइनस करना होता है ना, सर, टू आएगा इसमें सर, 256 माइनस 254 कितना टू आएगा? टू चलो फिफ्थ नंबर पे क्या बनाते हैं, ब्लॉक ब्लॉक। बहुत बढ़िया, ब्लॉक के लिए हमें चाहिए नेट एक सीएसएम, ये सुनो जी सर, 255.254.0, इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है? 2 का। टू अब क्लास बी के लिए दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला रूल याद रखना है, रूल नंबर 1, अगर मैं बोलू कि 0.255 +1 तो कितनी वैल्यू आएगी? 256 आप बोलोगे 256। कभी आपने एक ऑक्टेट में 256 नंबर देखा है? नहीं आ सर, सकता है? नहीं। तो फिर कैसे आ जाएगा? अब याद नहीं रखना, जब 0.255 की रेंज हो और एक नया नई आईपी ऐड होने वाली हो तो वो क्या हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा और ये क्या हो जाएगी, ऑक्टेट फ्री 1.0 क्या हो जीरो जाएगा, 1.0। 1.0.0 अगर मैं पूछू 2.255 +1 कितना होगा? तो सर 1. ध्यान से समझो, 2.255 में जीरो +1 कर रहा हूं, तो ये 255 256 तो नहीं थ्री सकता, और नहीं ये सर, किधर टू थ्री जाएगा, इधर फ्री, थ्री हो जाएगा, और ये ऑक्टेट क्या हो जाएगी, फ्री। जीरो अब लो 4.255 +1 कितना आएगा? 5.0 बहुत बढ़िया।
11.255 + 1 12.0 99.255 + 1 100.0 इतना क्लियर है? 101.255 + 1 102 + 0 क्लियर है? अब रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, अगर मैंने पूछा 1.0 से पहले कौन सी वैल्यू थी जो 1.0 बनाती है? जी सर 0.255. अगर मैंने पूछा 5.0 से पहले वैल्यू कौन सी थी? 4.255. बहुत बढ़िया। 9.0 से कौन सी थी पहले? 8.255. बस इतना ही करना था, याद रहना चाहिए क्लास बी के लिए। किसके लिए? क्लास बी के लिए। आवाज आ रही है क्लियर? जी सर। चलिए अब देखिए, क्लास बी की प्राइवेट आईपी याद है ना कौन सी होती थी? जी 176.16.0.0। अब एक बताओ, पहली ऑक्टेट फुल है या फ्री सबनेट मास्क में? 172 फुल है या फ्री? फुल है या फ्री है? फ्री है सर। 172 और ये 255 फुल है या फ्री? 255 फुल है सर। फुल है। दूसरी ऑक्टेट? फुल है। तीसरी ऑक्टेट? फ्री है सर। फ्री है। फोर्थ ऑक्टेट? जीरो है। अब एक बात हो, जब तक आप तीसरी ऑक्टेट को फिल नहीं करोगे तो फोर्थ ऑक्टेट में जा सकते हो? नहीं। नहीं, तो याद रखना ये रूल। अब ये क्या निकला हमारा? नेटवर्क एड्रेस। एक और निकाल लेते हैं, 172 16 डॉट, इंक्रीमेंट कितने का आया था? 2 का। तो 2.0, और 2.0 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी? 176.1.0। ध्यान से समझो, अभी पूछा था 2.0 से पहले कौन सी आएगी? 1.0 सर। दोबारा से समझो, मैंने बताया था 1.0 से पहले कौन सी थी? 0.255, और 2.0 से पहले कौन सी आएगी? 1.255। ये क्या बनेगा? ब्रॉडकास्ट। और वैलिड आईपी कहां से कहां तक जाएगी? अब 0.1 से स्टार्ट होगी, 0.2 भी होगी, 0.255 तक जाएगी, फिर नई सीरीज बनेगी 1.0 से 1.254 तक। ये क्या निकली? जी सर वैलिड आईपी। अब किसी ने पूछा, भाई ये तो गलत है, मुझे वैलिड आईपी दिखाओ, तो 2 की पावर 9 रख देना होस्ट का फॉर्मूला, माइनस 512 - 2 कितनी वैलिड आईपी आएगी? 510। तो हो गया सॉल्व, 400 की रिक्वायरमेंट थी। अब किसी ने पूछा, भाई 1.0 आईपी हो सकती है? यस, सबनेटिंग में हो सकती है। किसमें हो सकती है? सबनेट में। सबनेटिंग में हो सकती है, क्लियर है? बताए जी सर। ये 0.1 0.2 क्या है? वैलिड आईपी। लेकिन 1.255 क्या है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट है। अब एक और क्वेश्चन कर देते हैं क्लास बी का, एक और ईमेल मंगा ले। जी सर। ईमेल में चाहिए 2000 यूजर आईपी है ना? चलो ये लो। जी सर। कौन सी क्लास प्रोवाइड कराओगे? नंबर ऑफ 10। क्लास कौन सी प्रोवाइड कराओगे? क्लास बी। पहला टास्क डेसिमल टू बाइनरी स्किप। बोल मत देना बस इंटरव्यू में ये वाला टास्क। नहीं देंगे भाई, एक बच्चे को मैंने पढ़ाया, उसने वहां जाके पूछा उन्होंने फॉर्मूला, उन्होंने बोला डेसिमल टू बाइनरी स्किप, वो कह रहे भाव गेट आउट। इसलिए याद रखना है। बोरो बिट कितनी आएगी 2000 के लिए? 2000 के लिए सर 11 नंबर। बहुत बढ़िया, 2047। ठीक है, चलो थर्ड नंबर। जी सर।
DSM to CSM. चलो तो क्लास बी का तो वही है 255 16 बिट को 00 दिखाएंगे पहले, फिर उसमें ऑफ कर लेंगे। जी सर, जी सर। इसमें 11 बिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 8 डॉट 1 2 3 बाकी सारी बिट ऑन 1 2 3 4 5 क्या बना रहे हैं ये पहली और दूसरी फिल है पहले से ही तो इनको ऐसे उतार। कितनी बिट ऑन है 5 कितना आएगा 248 डॉट कितना आएगा 0 क्यों आ रहा है क्योंकि सारी बिट पहले से क्या है बिट ऑफ ऑफ है इंक्रीमेंट निकाल दो बस फोर्थ इंक्रीमेंट किसमें से क्या करते हैं वो बताओ इंक्रीमेंट में होता क्या बताइए इंक्रीमेंट में ब्रॉडकास्ट होता है नेटवर्क होता नहीं इंक्रीमेंट में क्या काम करवाता था मैं बताइए इंक्रीमेंट में होता है माइनस 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 होता है सर करिए 11 पे पावर 2 2 पावर नहीं होता 256 माइनस होता है 248 इंक्रीमेंट में 256 को माइनस करते हैं जो यहां पर आती है 248 पे जी सर कितना आएगा 6 2 8 8 आएगा सर 8 याद रखना है आप ठीक है जी सर चलो फिफ्थ नंबर में क्या बनाते हो ब्लॉक ब्लॉक सी एस एम 255 255 248 2 क्लास बी के प्राइवेट एड्रेस तो पता है ना 172.16 डॉट चलो मैं 1.0 लिख लूं ऐसे भी कर सकता हूं मैंने लिखा 0.0 ये क्या बनेगा नेटवर्क क्यों बनेगा पहले ऑक्टेट फुल है दो से फुल 30 चौथी 0 पहले से यहाँ पे तीसरी भी फुल नहीं है चौथी भी नहीं है जी सर इंक्रीमेंट रखना है चलो इंक्रीमेंट थोड़ा बड़ा होगा दिखाने के लिए करा था तो देख लेते हैं 172.16.8.0 इससे पहले क्या आएगा 7.255 बहुत शानदार ये क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट वीडियोस काम कर रही है आप पे चल जी सर 0.1 0.2 0.255 ये पहली फिल हो गई फिर क्या बनेगी 1.0 1.255 तक जाएगी फिर 2.0 2.0 2.55 3.0 फिर 3.25 फिर यहाँ तक आएगी इसमें 1 2 3 भी होंगे आईपी कहीं ऐसे बोलो ये सारे के क्या निकालेंगे वैलिड आईपी अब मुझे फॉर्मूला तो बताया था मैंने आपको कितनी बोरो बिट थी कितना आएगा वैल्यू आप बताओ 2 पावर 11 माइनस 2 256 हाँ जी जी सर कितनी आएगी पहले 2 पावर 11 यानी कितना हो गया सर 256 माइनस 2 254 नहीं इसलिए मैंने यहाँ फंसा दिया आपको अब कैलकुलेटर ओपन करना है और समझना है कैसे करना है 2 लिखना है और ये एक्स वाई वाला दिख रहा है एक्स वाई वाला एक्स वाई अभी ये एक्स वाई दिख रहा है एक्स वाई ओके जी सर 11 रखो जी सर अभी दिख रहा है कितनी वैल्यू आ रही है पावर 2048 तो 2048 माइनस 2 कितनी वैलिड है 2000
46, ठीक है भाई, याद रखना। जी सर। तो ये क्या हो गई आपकी क्लास बी, क्लियर है? क्लास बी का सेम क्लास ए, सेम क्लास ए है। चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो क्लास को ओवर करेंगे। टास्क बताऊंगा क्या करना है, बस काम है आपके लिए। अब ईमेल आई है आपके पास, 1000 यूजर को आईपी चाहिए, किनको चाहिए? 1000, और देना किससे है सिर्फ? क्लास ए से। तो भाई क्लास ए वाला बोला है, जब आपके पास 1-2 लाख की रिक्वायरमेंट हो ना तब मुझे बुला लेना, क्योंकि एक आउटफिट में तो जब ही फुल हो पाऊंगा मैं। तो अब मेरे पास तो यही क्लास बी वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, एक ऑक्टेट में तो 255, दूसरे ऑक्टेट में जा सकते हो 1000 के लिए। जब 2-10 लाख की बात आएगी तब जाऊंगा थर्ड ऑक्टेट। तो थर्ड ऑक्टेट में सर बढ़ जाएगा 16 से और 8। हाँ, और बढ़ जाएगा। डेसिमल टू बाइनरी, जब लाखों में बात हो तब बाना है, उससे पहले कहीं नहीं जाना। इसमें एक टेबल और आ जाएगा। हाँ, एक बोरो बिट निकाल लो, उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है सर की, याद रखना। बोरो बिट निकाल ली, अब बोरो बिट कितनी आएगी 1000 के लिए? 10 हो गया। तीसरा निकाल लो, DSM2 CSM। तो क्लास ए का सबनेट मास्क क्या था डिफॉल्ट? जी 255000, इसका मतलब 8 बिट हो गए ना। चलो जी जी सर, अभी तो उसे स्टॉप करो सर, आज काफी देर तक। हाँ जी, एक स्टॉप करता सर, 2 मिनट सर, कर से कॉल आ रहा है। चलो करो, कल मिले फिर, नेक्स्ट को ही मिलते हैं अब, या अभी करोगे? चलो मुश्किल नहीं करेंगे, कॉल किया था मैं 3 घंटे पहले सर, अभी वो कोई नहीं, कोई नहीं। थर्ड नंबर वाला क्लियर है? जी सर। चलो अब थर्ड नंबर वाले को हम कन्वर्ट करा दे। तो भाई ये 00 जो है वैसे प्रेजेंट कर लो बस, 255, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी सर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया भाई, 4 4 8, फिर ये भी बढ़ेगा। चलो कितनी बिट उधारी पे लाए? 10। तो भाई 8 तो ये हो गए टोटल, और दो ये 10 ऑफ हो गया। बाकी सब ऑन ऑन, बहुत सिंपल है। देखो आप खुद ही बोलोगे सर हो गया। अब तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, और इधर वाली भी क्या हो गई सारी बिट? 8 14 हो गई। अब सी एस एम बना, अब बहुत थोड़ा सा सिंपल है, 255 जी सर, और ये सारी बिट ऑन है, तो इसका मतलब 255, इसका मतलब 6 बिट का, 6 बिट का सर निकल जाएगा आपका, 6 बिट का 252 हो गया। इंक्रीमेंट निकाल लो फोर्थ नंबर, आप ही निकालोगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट सर टू पे, इंक्रीमेंट पे क्या था, लास्ट क्या था, माइनस करना है ना सर? हाँ, माइनस इंक्रीमेंट करना है टू, क्या टू 56 को इसमें माइनस करना है? हाँ, 250, ये तो फुल है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते आप, कुछ नहीं करोगे। जी सर, इसको माइनस करना है तो 4 आ जाएगा। क्लियर है? चलो जी सर, CSM तो हमें यही दिख रहा है। अब देखो क्लास ए का प्राइवेट एड्रेस होता है 10.0.0.0, तो पहले ऑक्टेट फुल है या फ्री है सबनेट मास्क में? फुल है सर। दूसरी? फुल है। तीसरी? फ्री है। फोर्थ? फ्री है। तो ये तो क्या बना दिया मैंने, क्लास ए का नेटवर्क। अब वैलिड आईपी निकालनी थी तो 10.0. तीसरी ऑक्टेट में 252 है, यानी फुल नहीं है तीसरी ऑक्टेट। तीसरी ऑक्टेट में इंक्रीमेंट डाल रहा हूँ 4.0. इससे पहले क्या आएगा? 3.255। ये क्या बन गया? ब्रॉडकास्ट। और 0.1 से चलेगा 0.255 तक जाएगा, फिर 1.0 से 1.255, 2.0 से 2.255, फिर 3.0 से 3.254 तक, 254 तक। ये क्या बन गए? वैलिड आईपी। बस हो गया। और वैलिड फॉर्मूला निकालना आता है 2 की पावर 10 माइनस 2 कितना होगा आप बताओ, आप क्लास ओवर करने वाले बताओ। तो 10 का पावर सर कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, 1024 माइनस 2
तो 1000 वाई पे निकलेंगे टोटल 1000 2022। ठीक है जी सर। ये था आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सबनेटी। अब मैं आपको बुक में से क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसे करना है। एक सेकंड दीजिए मेरे को। देखो आप बुक को लेके बैठ जाना जब आप फ्री टाइम हो और सॉल्व करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत है याद रखना है। क्या कह रहा हूँ मैं? कुछ क्वेश्चन गलत है याद रखना है। और सिर्फ मैंने अभी होस्ट निकालना यानी यूजर को आईपी देना सिखाया, ग्रुप नहीं बताया कैसे निकलता है, नेटवर्क नहीं निकालना सिखाया। जी सर। तो अभी हम यहाँ तक कर चुके हैं, अब हमें यहाँ से शुरू करना है। दिख रहा है ना ये वाला पार्ट? जी सर। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे? जी सर। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है ये? कस्टम सबनेट्स, नंबर ऑफ नीड यूजेबल सबनेट 6, नंबर ऑफ नीडेड टू यूजेबल होस्ट 30। तो भाई होस्ट का मतलब यूजर, कितने यूजर के लिए आईपी चाहिए? 30। कौन सी क्लास का एड्रेस है ये? ये सर सी क्लास का। बस बहुत है इतनी आज के लिए जानकारी। अब पहला रोल डी टू बी बाइनरी, 30 की बाइनरी क्या होगी? 128 0, 64 32 16 8, 24 हो गए, 16 8 24 और 4, 28 और 2 30 और 1 0। अब बताओ बोरो बिट कितनी आएगी? अब बोरो बिट सर पहला हो जाएगा सर, नंबर 1 2 3 7 8 7 6 5, नंबर का 5। बहुत बढ़िया, अब आ गए सही लाइन पे। DSM to CSM, CSM 255 255 255, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बिट ऑफ करनी है? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 का हो गया सर आपका। याद कर लेना भाई इसको, 224 फोर्थ नंबर पे क्या निकालते हो? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट निकाल के दिखाओ कितना आएगा। 256 माइनस 224। बहुत बढ़िया, कितना आएगा? 256 माइनस 224, 2 3 32। बहुत बढ़िया, अब आगे लाइन पे ये एड्रेस निकाल लो, इसको रखा है 210 100 56 0। पहली ऑक्टेट फुल है या फ्री सबनेट मास में? फुल है। दूसरी? फुल है। तीसरी? फुल है। फोर्थ? फ्री है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? एट ऑक्टेट। यहाँ पे क्या दे रखा है? जीरो जीरो। तो ये क्या बनेगा? नेटवर्क एड्रेस, एड्रेस 210 100 56। इंक्रीमेंट कितने का है? 32। इससे पहले क्या आएगा? 31 56.31। अब ये मत बोल देना सर 56.255, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जब तक थर्ड ऑक्टेट फुल है तो वही बतानी जो उससे पहले। ये क्या बनेगा? ब्रॉडकास्ट, और 1 से लेके 30 क्या निकलेगी? वैलिड आईपी। बस अब फुल करो, कौन सी क्लास का एड्रेस है? सी। डीएसएम 255 255 255.0, कस्टमाइज 255 255 255 224। अब ये पूछा टोटल नंबर ऑफ सबनेट, नंबर ऑफ सबनेट, इन दोनों को छोड़ दो अभी के लिए, कुछ नहीं करना इनमें, बोल जाओ जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस, नंबर ऑफ यूजेबल, देखो टोटल पूछा है नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट को मिला के कितने निकल रहे हैं,
तो 2 की पावर जितनी भी टुदारी पे लाए हो, 5 माइनस 32 माइनस 2 करते हो तो वैलिड कितने निकलते, 30, और आई कितने थे 32, तो 32 तो हो गए टोटल और वैलिड कितने हैं 30। नंबर ऑफ बोरो बिट कितनी ली थी 5। लोली हो लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन कौन सी लाइन को पकड़ना हर बार, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। तो आपको ए का भी सॉल्व करना है, बी का भी और सी का भी, कुछ क्वेश्चन गलत है देख लेना। ओके सर। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ एडवांस पढ़ेंगे इंशाल्लाह सर, और पूरा पढ़ के आना। इंक्रीमेंट बिट में फंसते हो आप, इंक्रीमेंट बिट अच्छे से याद करना है, लिख लेना। जी सर, जी सर। इंक्रीमेंट बिट पे ध्यान देना है, थोड़ा सा बस 2 मिनट का काम है, और उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूले को पढ़ना है। जी सर, ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।